बिहार में श्री पप्पू यादव और श्री तेजस्वी यादव जी के बीच में मैच फिक्स है। ये लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव लगातार निशाने पर है। जहां जेडीयू के प्रवक्ता या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव को घेरा है, वहीं अब बीजेपी ने तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। पप्पू यादव को तेजस्वी का ही एजेंट बता दिया है बीजेपी ने। बीजेपी के प्रवक्ता है अरविंद सिंह, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। बिहार में श्री पप्पू यादव और श्री तेजस्वी यादव जी के बीच में मैच फिक्स है। ये लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। ये लोग आपसी नूरा कुश्ती में मिल करके और बिहार के जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो घर में बैठ करके और ट्विटर के माध्यम से बिहार में कोरोना संक्रमितों को सिर्फ सरकार को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, कोरोना संक्रमितों को मदद नहीं कर रहे हैं। और जहां तक बात है श्री पप्पू यादव जी का, पप्पू यादव जी एक समय में सीमांचल के आतंक थे, आज वो बगुला भगत बन करके और श्री तेजस्वी यादव जी के इशारा पर बिहार में डॉक्टरों को जो काम कर रहे हैं अस्पतालों में उनको जाकर के डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। जहां तक बात है वो रेमिसिडिविर बांट रहे हैं, अरे रेमिसिडिविर आप कहां से लाए हैं, ये असली है कि नकली है, और उसमें अगर कोई कैजुअल्टी होता है तो इसका गारंटी कौन लेगा, सरकार तो लेगी नहीं। तो फिर आप जो है कहां से इतना 2000 हर एक नेता रेमिसिडिविर लाएंगे, तो सरकार कहां से रेमिसिडिविर उपलब्ध कराएगा। ये सब विषय जो है बिहार में बहुत ही गजब का है। तो आपने सुना अरविंद सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पप्पू यादव एक समय में सीमांचल के आतंक थे और वह लगातार तेजस्वी के लिए ही काम करते हैं। तेजस्वी के इशारों पर ही वह तमाम जगहों पर पहुंच जाते हैं, वहां पर लोगों से एम्बुलेंस को लेकर झूठ मूठ का अफवाह फैलाते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से पप्पू यादव ने बीते दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण किया था, जरूरतमंदों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे थे, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इसकी क्या कुछ है मान्यता है, कैसे हम विश्वास कर ले कि जो रेमडेसिविर वह बांट रहे थे वह सही ही था, अगर वह रिएक्शन करता तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के तरफ से यह प्रहार किया जा रहा है। बीजेपी के नेता अरविंद सिंह ने इसको लेकर अब सीधे तौर पर पप्पू और तेजस्वी यादव को एक साथ घेरा है, सीधे कहा है कि पप्पू यादव जो हैं वह तेजस्वी यादव के इशारों पर काम करते हैं। आपको पता होगा कि बीते दिनों किस तरीके से कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने सीधे तौर पर पप्पू यादव को बीजेपी का भी टीम बताया था, वहीं अब बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो है वह तेजस्वी के एजेंट है। अब इसको लेकर क्या कुछ आगे प्रतिक्रियाएं आती है, तमाम अपडेट्स के लिए बने हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।